हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सतेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरु पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो में किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक सीरीज दी गई यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इनके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा ठीक है और भी प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करना जैसे यहाँ पर लुप्त संख्या इनके लिए चार ऑप्शन दी गई है ठीक है इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है क्योंकि कुछ से पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है और ये पार्ट नंबर पैंतीस है दोस्तों जिसने पार्ट नंबर चौंतीस तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि सभी का सभी पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न कहा है ठीक है तो आइए दोस्तों वीडियो में शुरू करते हैं और बारी बारी से सबसे पहले आपको प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है एक नंबर प्रश्न संख्या एक का आता है ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या जो हमारा एक है वो कहता है क्या श्रृंखला को पूरा करें और ये जो सीरीज दी गई है दस बाईस छियालीस यहाँ पर जो क्वेश्चन इनके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन से नंबर को लिया जाएगा और एस एस सी एसे सी एच एस एल टीयर वन सात फरवरी दो हजार सत्रह के थर्ड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया ठीक है तो मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को पॉज कर का इसका आंसर जरूर बताएंगे चलेंगे यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया सबसे पहले यहाँ दस है उसके बाद क्या है तो उसके बाद बाईस है उसके बाद क्या है तो छियालीस है उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ठीक है यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं मेरे भाई कि देखेंगे दस से बाईस कैसे बनाया है ये दस से बाईस कैसे बनाया है ध्यान से देखेंगे ये दस से बाईस बनाने के लिए अगर हम दस को दो गुना कर दे दस दूनी बीस अब प्लस हम इसमें दो कर दे तो दस दूनी बीस और दो बाईस हो जाएगा आगे जो बनेगा वो बनेगा कितना ध्यान से देखेंगे बाईस गुना करेंगे दो से तो बाईस दूनी चौवालिस हो जाएगा आज चौवालिस में हम दो को जोड़ेंगे तो छियालीस हो जाएगा बिल्कुल सही जाएग बात कर रहे हैं आप उसी प्रकार जो आगे निकल के आएगा नंबर वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखेंगे आगे के जो नंबर निकलेगा वो छियालीस है ना इसका हम कर देंगे डबल और इसमें प्लस हम क्या कर देंगे तो दो कर देंगे और छियालीस का डबल बानवे होता है अब बानवे में जैसे ही हम दो को जोड़ेंगे तो चौरानवे हो जाएगा क्योंकि छियालीस का दो गुना बानवे अब बानवे में दो हम जोड़ेंगे तो चौरानवे हो जाएगा तो यहाँ पर जो भरी जाने वाली नंबर है वो जानते हैं क्या तो चौरानवे है और चौरानवे हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है ठीक है कुछ नहीं था इस प्रश्न में बिल्कुल आसान सा प्रश्न था यहाँ पर किया क्या है ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो सीरीज है ना कुछ नहीं किया है इसको डबल और प्लस टू किया है डबल और प्लस टू किया तो हम भी छियालीस के डबल प्लस टू कर देंगे तो चौरानवे आ जाएगा ठीक है तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था इस प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया सब चीज समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न हमारा लेटर सीरीज से है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है देखेंगे यहाँ पर जो है इसमें क्या भरा जाएगा हमें बताना है तो इसको कैसे किया सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है तो लिखा है डी लिखा है उसके बाद तीन लिखा है उसके बाद लिखा है एफ लिखा है उसके बाद क्या लिखा है तो पाँच लिखा, लिखा है लिखा है ना यहाँ पर देख रहे हैं एच लिखा है उसके बाद सात लिखा है उसके बाद जे लिखा है उसके बाद नौ लिखा है यहाँ पर एल लिखा है उसके बाद ग्यारह लिखा है उसके बाद फिर से एन लिखा है उसके बाद तेरह लिखा है ठीक है यहाँ पर जो है वो तेरह लिखा है उसके बाद यहाँ पर जो आने वाली नंबर है हमें बताना है क्या आएगा कुछ नहीं बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है यहाँ पर कैसे करेंगे ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले इस श्री श्रृंखला का पहला जो लेटर है उसमें लॉजिक को ढूंढो यहाँ से डी से देखो कि एच कैसे बना डी का क्रमांक होता है चार और एच का क्रमांक होता है आठ तो चार से आठ बनने के लिए इसमें प्लस का चार किया होगा बिल्कुल सही प्लस का चार किया है उसी पर का एच से एल कैसे बनाए एच का क्रमांक होता है मेरे दोस्त आठ और एल का होता है बारह तो आठ को बारह बनाने के लिए इसमें भी प्लस का चार करना होगा ठीक है यानी कि इसमें भी प्लस चार किया है तो अगला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा तो एल एल में भी हम भी प्लस का चार करेंगे तो एल का क्रमांक होता है जानते हैं कितना बारह सॉरी एल का क्रमांक हाँ ठीक है एल का क्रमांक होता है बारह उसमें हम चार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तो आ जाएगा सोलह आज जो हुआ लेटर है पी होता है हमारा आगे हम देखेंगे और ऐसा करने से हमारा दो ऑप्शन गलत हो क्योंकि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन बी भी, भी नहीं हो सकता क्योंकि ई पी से शुरू होगा मेरे भाई उसके बाद हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि देखेंगे

आचार कितना हो जाएगा तो पंद्रह P पंद्रह P पंद्रह तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन D है उसमें तेरह चौदह है यहाँ पर जबकि पंद्रह होना चाहिए ठीक है तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा ठीक है इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था ठीक है आपको मैं बता दूँ आपको यहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही बनाना है ऑप्शन छाट कर लेकिन हम तो एग्जाम में नहीं बनाए तो हमें तो पूरा सिखाना पड़ेगा तो अगला जो थर्ड लेटर है वो थर्ड लेटर एफ़ से जे कैसे बनाया है इसको देखो यहाँ पर जो एफ है एफ से जे कैसे बनाया तो एफ छ पर होता है जे होता है दस इसमें भी प्लस का चार किया है जे दस पर उस जे को इसमें भी प्लस का चार किया है तो एन में भी प्लस का हम चार कर देंगे तो एन होता है चौदह पर चौदह में चार जोड़ेंगे तो अठारह हो जाएगा पी पंद्रह अठारह फिर से नंबर आ गया पाँच से बनाया है नौ प्लस का चार नौ से बनाया तेरह प्लस का चार उसके बाद तेरह से प्लस का चार करेंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा तो पी यहाँ पर हो जाए कितना तो सत्रह भरा जाएगा पी पंद्रह आर सत्रह पी पंद्रह आर सत्रह यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में जितना भी यहाँ पर जो नंबर लिखी गई थी सभी में प्लस का चार कर रहा है तो हम भी प्लस का चार कर देंगे ठीक है तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दू कि यहाँ पर जो प्रश्न था इसमें लेटर और नंबर दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन किया गया है और तब हमसे सीरीज पूछी जा रही है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आसानी से आपने समझ ली हूँ प्रश्न को रटी नहीं प्रश्न को समझते चले चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्या कहते हैं ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा तीन नंबर प्रश्न है क्या कहता है ध्यान से देखेंगे जो तीन नंबर प्रश्न तीन नंबर हमारा प्रश्न कहता है क्या संबंधित संख्या को चुनिए यहाँ पर जो संबंध इन दोनों के या... संबंधित संख्या चुनने का मतलब होता है मेरे बाबू जो चौदह का संबंध दो सौ पच्चीस से है ना उसी प्रकार सत्रह का संबंध उसी तरह निकालते हैं हम ठीक है कहने का मतलब जो यहाँ पर सत्रह है इसका संबंध जो है दो सौ पच्चीस से है आ कैसे है इसको तुम जांच करो उसी प्रकार यहाँ पर सत्रह का संबंध हम निकाल सकते हैं चलेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं है कि चौदह चौदह में हम अपने मन से एक जोड़ दें तो हो जाएगा कितना अपने मन से एक जोड़ेंगे तो इ हो जाएगा पंद्रह आ इस पंद्रह का स्क्वायर कर देंगे तो दो सौ पच्चीस आ जाएगा बिल्कुल सही आ जाएगा उसी प्रकार अगर हम सत्रह में अपने मन से एक जोड़ दें क्योंकि सत्रह में अपने चौदह में प्लस वन अपने मन से किए तो सत्रह में तो प्लस वन करना पड़ेगा तो सत्रह में प्लस वन जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा और इसका हम कर देंगे स्क्वायर तो ये अठारह तो का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है अठारह का स्क्वायर तीन होता है मेरे भाई और तीन हमारा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है तीन इस प्रश्न में कुछ नहीं था बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न फिर से यहां पर देखेंगे क्या किया है तो यहां पर जो चौदह है इस चौदह से दो सौ पच्चीस बनाया है कैसे बनाया ध्यान से देखेंगे उसके बाद यहां पर जो सत्रह है उसी प्रकार यहां पर क्या आएगा हमें बताना है कुछ नहीं बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था इस चौदह को तुमको पंद्रह बना देना है यानी कि प्लस वन करके चौदह प्लस वन कर देंगे तो हो जाएगा पंद्रह इस पंद्रह का स्क्वायर कर देंगे तो दो सौ पच्चीस हो जाएगा बिल्कुल सही तो इस सत्रह में हम भी क्या करेंगे मेरे दोस्त एक प्लस का कर देंगे तो ये हो जाएगा अठारह अठारह का स्क्वायर कर देंगे तो इ हो जाएगा तीन सौ चौबीस आ तीन सौ चौबीस हम देख रहे हैं मेरा जानते हैं क्या है तीन सौ चौबीस ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया ठीक है तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की क्या कहता है ध्यान से देखेंगे चार नंबर प्रश्न कहता है मेरे भाई कॉकरोच का संबंध जिस प्रकार निम्फ से है निम्फ से है उसी प्रकार भृंग का संबंध किससे होगा यानी कि जिस प्रकार कॉकरोच का जो संबंध है निम्फ से है उसी प्रकार भेड़ का संबंध कौन से शब्द से होगा मेरे दोस्त हम सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज हम जानेंगे कि कॉकरोच के बच्चे को निम्फ बोला जाता है यानी कॉकरोच के बच्चे को निम्फ कहा जाता है उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को मेरे दोस्त मेमना कहा जाता है फिर से समझिए कुछ नहीं था यहाँ पर जो प्रश्न था बिल्कुल आसान यानी कॉकरोच के जो बच्चा होता है उसे निम्फ कहा जाता है यानी कॉकरोच के बच्चे को निम्फ कहा जाता है तो उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है ठीक है इसको याद कीजिएगा क्योंकि जीके का एक प्रश्न है जीके का भी इस ए जीके का सभी का सभी प्रश्न है जो रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कॉकरोच का संबंध निम्फ से है, उसी प्रकार भीड़ का संबंध मेमना से है ठीक है तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की पांच नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखेंगे कहता है एक निश्चित कूट भाषा में थ्यूरी को वाई आर ओ एच टी लिखा जाता है और ऑप्शन को एनओ आई टी पी ओ लिखा जाता है उसी भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा इनके लिए चार ऑप्शन दी गई है मेरे भाई ठीक है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या यहाँ पर जो लिखा है टी लिखा है उसके बाद एच लिखा है उसके बाद ई लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा छोटा छोटा इसे लिखने दीजिए यहाँ पर जो है टी लिखा है उसके बाद टी के बाद एच है एच के बाद क्या है तो ई है ई के बाद ओ है और ओ के बाद क्या है तो आर है आ, आर के बाद क्या है तो वाई है इसको ओ लिखा है जानते हैं कैसे वाई लिखा है यहाँ पर वाई लिखा है उसके बाद में लिखा है आर लिखा है उसके बाद ओ लिखा है उसके बाद ई लिखा है उसके बाद एच लिखा है इसके आगे क्या लिखा है मेरे भाई यानी कि एच के बाद आगे टी लिखा है अच्छी बात है उसी प्रकार ऑप्शन को ओ लिखा है ऑप्शन जो है ना इसको कैसे लिखा है ध्यान से देखेंगे हम ऑप्शन को कैसे लिखा है ऑप्शन को लिखा है ओ आई टी बाद पी लिखा है ओकरा बाद ओ लिखा है ठीक है उसी प्रकार मेरे बाब हम यहां पर निकाल देंगे क्या तो एक्सपर्ट ई एक्स पी आर टी एक्सपर्ट का कोड क्या होगा चलिए कुछ नहीं था ऐसा प्रश्न में कुछ नहीं है बिल्कुल आसान सा प्रश्न मेरे भाई एक चीज यहाँ पर हम गौर से देखें तो हमें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है और लॉजिक क्या है कि इसमें ना तो प्लस का वन किया गया है और ना ही माइनस का वन किया गया है कुछ नहीं बिल्कुल लेटर को इधर से उधर लिख दिया गया है कैसे लिखा है ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लेटर को कैसे लिखा है ये जो y है y को ला दिया है यहाँ पर अच्छी बात यानी कि y को यहाँ पर ला दिया उसके बाद r है r को ला दिया यहाँ पर o को ला दिया यहाँ पर e को ला दिया यहाँ पर h को ला दिया यहाँ पर और इसको ला दिया वहाँ पर यानी कि क्रॉस पैटर्न लगा दिया है कुछ नहीं किया है क्रॉस पैटर्न लगा दिया है यानी कि जो n है उसको लाया है यहाँ पर जो ओ है उसको लाया है यहाँ पर जो आई है उसको लाया है यहाँ पर जो टी है उसको लाया है यहाँ पर जो पी है उसको लाया है यहाँ पर और जो ओ है उसको ले गया लास्ट में कौनने का मतलब जो लास्ट का लेटर है वो पहले आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा टी उसके बाद आर है तो आर आ जाएगा उसके बाद ई है तो ई आ जाएगा उसके बाद P है तो P आ जाएगा उसके बाद X है और उसके बाद क्या है मेरे बाबू X के बाद में आ, आ है, लास्ट में E है चलेंगे यहाँ पर कुछ नहीं T R E P X T R E P X E यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कहने का मतलब मेरे दोस्त इस प्रश्न में ना तो कुछ प्लस किया है और ना ही कुछ माइनस किया है यहाँ पर केवल किया है तो क्या किया है लास्ट से यानी लास्ट लेटर से शुरू करके यानी कि इसको ऐसे शुरू कर दिया दिया है कुछ नहीं किया बिल्कुल वाला प्रश्न है कुछ नहीं दूध पीते हुए बच्चा भी इसको कर लेगा यहाँ पर लास्ट वाले नंबर लेटर को पहले से अरेंज कर दिया है कुछ नहीं किया इस प्रश्न में बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ना तो प्लस किया है ना ही माइनस किया है देखो यहाँ पर जो लास्ट इसको ऐसे करके लिख दिया -E प्रकार से लिख दिया ठीक है तो मेरे दोस्त मैं आपको इस प्रश्न को आसानी से समझाने में कामयाब हुआ हो गए चलेंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न आप प्रश्न को रटिए नहीं समझते चलिए छह नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखेंगे छ नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है यानी कि यहाँ पर एक चीज कॉन्सेप्ट यूज होता है जो यहाँ पर इस शब्द दी गई है इसमें जितना भी लेटर होता है इन लेटर का प्रयोग करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो न ही बनाया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है वर्ड फॉर्मेशन का एक चैप्टर से लिया गया है कैसे इसको जांच करते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन से देखते हैं क्या देखेंगे इस ऑप्शन में पहला लेटर सी है तो इसमें पहला लेटर सी है बिल्कुल है इसमें दूसरा ए है तो क्या इसमें दूसरा ए है बिल्कुल है यहाँ पर तीसरा पी है तो क्या इसमें पी है बिल्कुल है यहाँ पर ए है तो फिर से ए यहाँ पर है उसके बाद बी है क्या बी है बी यहाँ भी एल है एल है, है यहाँ भी ई है, e है इसका मतलब ई तो बनाया जा सकता है क्योंकि जितना भी लेटर इसमें है ना क्योंकि जितना भी लेटर इसमें है सभी लेटर इसमें मौजूद है तो ई तो बनाया जा सकता है ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं क्या पी ए है इसमें पी भी है और ए भी है उसके बाद आर टी है यहाँ पर आर है कहीं हाँ आर भी है यहाँ पर उसके बाद टी भी है यहाँ पर देख रहे हैं आई या सी यहाँ पर आई भी है या सी भी है उसके बाद एल ई एल ई भी है ई भी बनाया जा सकता है तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है हम ऑप्शन तीन को चेक करते हैं सी को चेक करते हैं पी आर ए क्या इसमें पी आर ए है बिल्कुल है सी टी आई सी ए यानी कि सी टी आई सी टी आई है उसके बाद फिर से सी है तो यहाँ भी फिर से सी है उसके बाद ए है तो यहाँ भी ए है उसके बाद एल है बिल्कुल भाई एल है ए भी बनाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि जब तीनों बनाया जा सकता है तो हमारा आंसर मजबूरी में टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी लेकिन ऑप्शन डी को चेक करने से पहले लेकिन ऑप्शन डी को चेक करने से पहले क्या एक बार हमें जांच कर लेना जरूरी है यहाँ पर जो लिखी गई है इसमें कौन सा ऐसा लॉजिक है जिससे ई नहीं बनाया जा सकता क्या इसमें पी है बिल्कुल यहाँ अभी पी है क्या ई है तो बिल्कुल ई है उसके बाद ए है बिल्कुल ए है उसके बाद सी है बिल्कुल सी है उसके बाद फिर से आ गया ई जबकि मेरे दोस्त इस शब्द में दो बार ई का प्रयोग कर दिया गया जबकि इस वाले शब्द में एक ही ई दिया गया है क्योंकि ई जो है यहाँ पर एक ही है यहाँ पर ई को दो बार प्रयोग कर दिया गया इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि मूल शब्द में ई जो है वो एक बार आया है जबकि ऑप्शन में दो बार हो नहीं सकता क्योंकि एक बार आया तो एक ही बार ना आएगा इसीलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर चलेंगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के क्या कहता है ध्यान से देखेंगे कहता है एक सुबह राजू सूरज की ओर चलना शुरू कर ओहो सबसे पहले डायरेक्शन के पार्ट है तो डायरेक्शन तो बनाना पड़ेगा हमें हम सभी जब पेपर पे मेरे दोस्त डायरेक्शन को बनाते हैं यानी पेपर पे जब दिशा बनाते हैं तो ऊपर में उत्तर लिखते हैं ठीक है नीचे में दक्षिण लिखते हैं चलेंगे और दहीने बगल में हम पूर्व लिखते हैं और बाए बगल में हम पश्चिम लिखते हैं ठीक है बाए बगल पश्चिम और दहीने बगल पूर्व आ ऊपर उत्तर और नीचे क्या अपना तो बाबू दक्षिण आ एक चीज आपको बता दूं जब सुबह के समय है तो सूरज किधर होगा मेरे भाई सूरज जो होगा वो पूर्व में होगा ठीक है सूरज पूर्व दिशा में होंगे आ शाम होता तो सूरज पश्चिम दिशा में होते चलिए यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं अब जो जो प्रश्न पढ़ रहा है कह रहा है उसी तरह तुम घूमते चले जाओ प्रश्न क्या कहता है सुबह राजो सूर्ज की ओर चलना शुरू करते सूर्य की ओर यानी कि वह बेचारा पूरब की दिशा में चलना शुरू करता है क्योंकि सूर्य पूर्व उगता है सुबह में चलना शुरू करता है कुछ देर के बाद वह बाएँ घूम जाता है कुछ देर चलते चलते गया आप बाएँ घूम गया जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो तो उसका उत्तर जो होता है सॉरी उसका बाया जो होता है वो होता है ऊपर कुछ देर चलने के बाद कुछ देर के बाद वह बाएँ घूम जाता है तो इसका बाया हो गया ऊपर उसके बाद कर रहा फिर अपने बाएं घूम जा घूमा फिर अपने बाएं घुमा उसका मुख किस दिशा की ओर है यानी कि दोबारा से बाया है। कि जब में होता है, मेरे बाबू एक चीज बताए जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा होता है तो इस दिशा में कौन सा होता है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस दिशा में होता है हमारा पश्चिम तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में प्रश्न बोलता है एक सुबह राजू सूरज की ओर चलना शुरू करता है कुछ देर के बाद वह बाय घूम जाता है फिर अपने बाएं घूम जाता है तो उसका मुख अब किस दिशा में यानी कि वो बेचारा कुछ देर ऐसे चला उसके बाद फिर से बाएं मुड़ गया तो ऊपर मुड़ गया फिर से बाएं मुड़ा तो कुछ इस प्रकार से दिखा और ऐसा जब इधर जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है मेरे भाई तो पश्चिम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की के और क्या कहता है ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या हम आठ की तरफ बढ़ते हैं क्या कहता है सब्जी है मटर है और संतरा है इनके बीच सही के सही सा, बेन डाइग्राम बताना है कि क्या होगा चलेंगे कैसे बनाते हैं इनके बीच हम बेन डाइग्राम सब्जी है मटर है और संतरा है हम सभी जानते हैं मेरे बाबू कि जितना भी मटर होता है ये मटर को हमने मान लो एम से डिनोट किया ये मटर है सभी के सभी मटर क्या है तो सब्जी के अंदर आ जाते हैं मटर तो सब्जी को हमने एस से डिनोट किया ठीक है यानी कि जितना भी मटर होता है वो सब्जी के अंदर आता है लेकिन मेरे बाबू एक चीज तो हम जानते हैं जो संतरा है वो एक फल है तो इनसे अलग आएगा यानी कि जितना भी मटर है वो सभी सब्जी के अंदर आ जाएगा जबकि संतरा फल है तो वो अलग होगा तो ऐसा कौन सा बैन डाइग्राम है तो ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा बी ही दिया गया इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा तो कैसे किए इसको हम जानते हैं कि जितना भी मटर होता है वो सभी सब्जी के भीतर आता है ठीक है और संतरा फल यानी कि फल इन दोनों से अलग होता है इसका बेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा ठीक है तो चले बढ़ते हैं हम नंबर प्रश्न की ओर क्या कहता है ध्यान से देखेंगे नौ नंबर जो प्रश्न कहता है हमारा क्या कहता है जैसे कि यहाँ पर ये लेटर सीरीज का प्रश्न है ठीक है यानी कि इन खाली खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा हमें बताना है ठीक है और इनके लिए चार ऑप्शन भी दी गई है ठीक है तो इसको कैसे हम करते हैं ध्यान से देखेंगे इसको करने का मेरे पास एक तरीका है कि इसमें जो जितना भी लेटर है सभी को तुम काउंट करो काउंट करो कितना है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है मेरे बाबू इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वह है बारह तो बारह तो या तो तीन तीन के ग्रुप में टूटेगा तो या फिर चार के ग्रुप में टूटेगा तो ठीक है यानी कि एक ये हमारा ग्रुपिंग मेथड कहता है कि या तो तीन तीन के ग्रुप में तोड़ो या फिर चार के ग्रुप में तोड़ो तो हम करेंगे क्या कि पहले तीन के ग्रुप में तोड़ेंगे अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर हम चार के ग्रुप में तोड़ के आंसर लाएंगे चलेंगे तो इसको हम तीन तीन के ग्रुप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर तीन तीन के ग्रुप में तोड़ दिए ठीक है तीन तीन के हमारा ग्रुप बन गया अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे दोस्त वो जानते हैं क्या होता है नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो होता है कि इनको जब ग्रुप में बांटने के बाद इनको जांच किया जाता है कि जितना भी ये ग्रुप बना क्या आपस में ये सेम है आ कि अलग अलग है तो जांच करेंगे कैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का पहला लेटर टी है यहाँ भी फर्स्ट ग्रुप का पहला लेटर टी है यहाँ भी फर्स्ट ग्रुप का पहला लेटर टी है इसका मतलब बात सही है यहाँ भी फर्स्ट ग्रुप का लास्ट लेटर एस है और सेकेंड ग्रुप का लास्ट लेटर एस है और फोर्थ ग्रुप का लास्ट लेटर भी एस है इसका मतलब ये ग्रुप आपस में सेम है तो सेम है तो क्या करो किसी एक ग्रुप को तुम पूरा भर लो और भरने के बाद उस

तो भरा गया चलिए पर भरा गया उसके बाद यहां पर हमारा ग्रुप फाइनली क्या बना टी यू एस टी यू एस हमारा फाइनली ग्रुप बन के जो तैयार हुआ वो क्या हुआ टी यू एस टी यू एस टी यू एस इसी के देख के सभी में भर तो यहां पर भरेंगे तो टी उसके बाद क्या आ जाएगा तो यहाँ पर यू आ जाएगा टी यू एस यहाँ पर क्या आ जाएगा तो टी आएगा यहाँ पर क्या आएगा टी यू यहाँ पर एस आएगा यहाँ पर टी यहाँ पर क्या आ जाएगा तो यू आ, 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 तो आ जाएगा हमारा एक ग्रुप कंप्लीट बन गया आ ग्रुप जब कंप्लीट बन गया तो इसमें क्या क्या भरा गया है उसको तुम्हें देख लिख देना होगा तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले यू भरा गया तो पहले यू आएगा यहाँ पर फिर से यू भरा गया तो यू आएगा उसके

नंबर हमारा जो है कोडेड इक्वेशन से है क्या कहता है यदि गुना का अर्थ है प्लस प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है गुना तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ओहो यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे दोस्त आता है प्रश्न क्या जहां भी गुना होगा गुना के जगह पर क्या करना है तो मेरे बाबू प्लस करना है गुना का अर्थ प्लस है प्लस का अर्थ माइनस है यानी कि प्लस का अर्थ क्या है तो प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है तो माइनस का अर्थ जो है वो भागा है अब भागा का अर्थ क्या है मेरे बाबू भागा का अर्थ गुना है बस ए को तुम आसानी से इस समीकरण में चेंज करो यानी कि सिंबल को चेंज करो तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा तो यहाँ पर इस समीकरण में क्या है तो पंद्रह है उसके बाद क्या है भागा है तो भागा के जगह पर हमें गुना लेना है कितना तो पाँच उसके बाद यहाँ पर गुना है गुना के जगह पर हमें प्लस लेना है कितना तो छत्तीस उसके बाद माइनस है तो माइनस के जगह पर हमें क्या लेना है तो भाग लेना है छः उसके बाद प्लस है तो प्लस के जगह पर हमें क्या लेना है माइनस लेना है कितना चौदह बस इसी को तुम सॉल्व कर दो तुम्हारा आंसर कंप्लीट निकल के चला आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है इसमें सबसे पहले हम भाग का क्रिया करते हैं उसके बाद गुना का क्रिया करते हैं तो ये पंद्रह और गुना कितना तो पाँच रह जाएगा ज्यों कहती हूँ बीच में प्लस छत्तीस को हम छ से भाग करेंगे तो मेरे दोस्त छ आएगा अब माइनस का हो जाए कितना तो चौदह पंद्रह से हम पांच में गुना करेंगे तो पंद्रह पचे पचहत्तर हो जाएगा पंद्रह पचे पचहत्तर हो जाएगा आ इसमें हम प्लस छ करके तो माइनस चौदह कर देंगे अच्छी बात है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पचहत्तर में छ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त तो इक्यासी हो जाएगा यानी जैसे ही पचहत्तर में हमने छ को जोड़ा तो कितना आ गया एकासी आ गया एकासी में से हम चौदह को अब घटाएंगे तो कितना आएगा तो एकासी में से हम चौदह को जब घटाएंगे तो ग्यारह में से चार जाएगा तो सात बचेगा यहाँ बचा अब कितना तो सात सात में से एक जाएगा तो छः बचेगा यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं कितना आएगा सड़सठ आएगा और सड़सठ हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है ठीक है इस प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त यहाँ पर गुना का अर्थ भागा सॉरी गुना का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भागा और भागा का अर्थ गुना बस इस सिंबल को तुम चेंज करो और आंसर प्राप्त करो यहाँ पर पंद्रह पंद्रह के बाद यहाँ पर क्या है भागा तो भागा का अर्थ हम गुना लिखेंगे उसके बाद है पंद्रह गुना पाँच हो गया अब उसके बाद पाँच के बाद गुना है तो गुना के जगह पर प्लस लिखेंगे उसके बाद छत्तीस आ गया छत्तीस के बाद माइनस है तो माइनस के जगह पर हमें भागा लेना है तो भाग करेंगे छ हो जाएगा उसके बाद प्लस है तो प्लस के जगह पे माइनस करेंगे चौदह बस अब इसको सिंबल को चेंज करने के बाद इस समीकरण को तुम सॉल्व करो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा ठीक है चलेंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ग्यारह नंबर प्रश्न क्या कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सा प्रश्न है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है क्या कहते हैं ध्यान से देखेंगे ग्यारह नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है यहाँ पर एक गोल सर्किल दी गई है ठीक है और इनमें चार नंबर है ठीक है यहाँ भी चार है लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इन दोनों को तीनों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि क्वेश्चन मार्क कंप्लीट बना दे तो मेरे दोस्त एक चीज यहाँ पर एक लॉजिक और इसके लिए चार ऑप्शन दी गई ठीक है एक चीज आपको यहाँ पर हम बताते हैं वो चीज क्या है अगर हम इन तीनों को आपस में गुना करके देखें क्या अड़तालीस आ रहा है कि नहीं तो गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो पहला आठ है उसके बाद दो है और उसके बाद क्या है तीन है तो इसको हम गुना करेंगे तो आठ दून सोलह ते अड़तालीस बिल्कुल सही भैया जैसे ही इन तीनों को इस तीनों को हम आपस में गुना किए आठ दूनी सोलह सोलह या अड़तालीस इन तीनों को जब हमने गुना किए तो यहाँ पर पाया आठ दून सोलह सोलह या अड़तालीस आ गया यानी कि इस वाले तीनों को गुना करके ये लास्ट के बनाया जा सकता है वहां उसी प्रकार हम क्या क्या करेंगे इसमें है गुना, थीन, गुना, थीन, थीन करने के बाद आना कितना तो बहत्तर बिल्कुल सही बात है ऐसा ही बात है क्या कि क्या कि छुना तीन चार कर देंगे तो बहत्तर आ जाएगा क्यों क्योंकि छह चौका बहत्तर होता है अब आने वाले जो फिगर है इसमें हम उसी लॉजिक को लगा देंगे यहां पर क्या कि बारह गुना दो आ गुना कर देंगे हम एक से यहां पर हो जाएगा बारह आ गुना कर देंगे ए, दू दू एक दो से दो आ गुना एक बारह गुना दो बारह गुना दो, दो गुना एक तो बारह दूनी चौबीस चौबीस से एक में करेंगे तो चौबीस ही होगा और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए में ही दिया गया है चौबीस कुछ नहीं था इस प्रश्न में बिल्कुल बच वाला प्रश्न था प्रश्न क्या था कि इन दोनों तीनों को आपस में गुना करो इसको आठ दूनी सोलह सोलह तैयार कितना हो जाएगा अड़तालीस आठ 16 सोलह सोलह अड़तालीस प्रकार इसमें गुना बहत्तर छह बहत्तर छह परून चौबीस चौबीस बारह दून चौबीस चौबीस बारह दून चौबीस एकम चौबीस बिल्कुल बिना पेन को भी इसे सॉल्व किया जा सकता था ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आसानी से आपने समझ लिए ठीक है आप प्रश्न को रटिए नहीं प्रश्न को समझते चलिए चलिए बढ़ते हैं बारह नंबर प्रश्न क्या कहते हैं ध्यान से देखेंगे बारह नंबर प्रश्न कहता है दर्पण प्रतिबिंब बताना है ओहो <coughs> यहाँ पर जो है ये दर्पण प्रतिबिंब बताना है लेकिन ये वाटर इमेज है क्योंकि जब दर्पण को खारा लंबवत रखा जाता है तो इसे मिरर इमेज बोला जाता है अगर इसी दर्पण को हम नीचे पट करके रख देते हैं यानी कि सुता के रखते हैं तो इसको हम वाटर इमेज बोलते हैं ठीक है और वाटर इमेज या मिरर इमेज हो इन दोनों को दर्पण ही कहा जाता है बहुत सारे ऐसे बच्चा हो गया कि दर्पण केवल दर्पण प्रतिबिंब इसी को बोलता है नहीं इसको भी बोला जाता है ठीक है तो इसको वाई टी वाई छ एल चार पाँच है इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा हमें बताना तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे ये जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा हम सभी जानते हैं कि वाटर इमेज में यानी कि जो नीचे छैतीस दर्पण जो होता है इस छैतीस दर्पण में हम सभी जानते हैं कि ऊपर का प्रतिबिंब नीचे बनता है और नीचे के प्रतिबिंब ऊपर बनता है ठीक है और दहने और बाएं सेम होता है जबकि मिरर इमेज में हम सभी जानते हैं हमारा दाया हाथ बाया दिखता है बाया हाथ दयाँ दिखता है ऊपर और नीचे सेम होता है तो इसमें क्या होगा ऊपर नीचे चेंज होगा तो जो वाई का मुंह ऊपर खुला हुआ है ये नीचे पूरा दिखेगा यानी कि टी जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा टी जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है ये टी हो गया उसके बाद मेरे दोस्त वाई ऐसे दिखेगा ठीक है आ छ जो है ना वो जानते हैं कैसे दिखेगा छ कुछ इस प्रकार से दिखेगा छ उसके बाद जो एल है ना वो जानते हैं कैसे दिखेगा मेरे बाबू एल जो है ऐसे दिखेगा एल जो है ऐसे दिखेगा नहीं हाँ ऐसे ही दिखेगा ठीक है एल ऐसे दिखेगा ऐसा कौन सा जो चार है वो जानते हैं चार कैसे दिखेगा चार जो है हमारा इस प्रकार से दिखेगा चार ठीक है उसके बाद पांच है तो पांच जानते हैं कैसे दिखेगा मेरे भाई पाँच जो है ऐसे दिखेगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाकर ऐसे दिखेगा पांच ठीक है उसके बाद जो दो है ना दो ऐसे ये है, जानते हैं कैसे दिखेगा दो दो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा यानी कि दो जो है ऐसे दिखेगा हमारा दो जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा यहाँ पर जो है ऊपर का नीचे बनता है यानी कि ये वाला तो ऐसे रहेगा ठीक है, आई जो है यहां पर जैसे ही पलटेगा ये किस इस प्रकार से बना देगा यानी कि इस प्रकार से बना देगा नहीं नहीं इस प्रकार से नहीं बनाएगा दो जो है कुछ इस प्रकार से बना देगा यहाँ पर जो है ये लाइन तो रहेगा ऊपर आ ये जो है ना इस तरह से ये बन जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा यानी कि इसका सबसे पहले आपको एक चीज बता दे कि इसको हम कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो दू है ना कुछ इस प्रकार से दिखेगा दू यहाँ पर जो दो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा मेरे बाबू यानी कि ला कर ऐसे बंसी की तरह बना दो यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा यहाँ पर जो है ऐसे ला कर ऐसे किया होगा ठीक है और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है मेरे बाबू ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता क्योंकि दो उसमें इस वेराइटी से नहीं है उसके बाद हम देख रहे हैं एक चीज कि यहाँ पर जो छ है कुछ हमें छ जो है ना वो जानते हैं कैसे दिखेगा जो यहाँ पर छ लिखा है ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा मेरे बाबू जो छव है वो इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ पर नौ बना दिया तो ये दिखेगा नहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि टी वाई एल उसके बाद चार उसके बाद पाँच और उसके बाद दो कुछ इस प्रकार से दिख ही रहा है तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं बिल्कुल बचअल प्रश्न था और एस एस सी एम टी एस ऑनलाइन परीक्षा पांच सात दो हजार बाईस के फर्स्ट पाली में इसे पूछा गया है ठीक है बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है कुछ नहीं यहाँ पर जो इमेज है सीधा सीधे इमेज बना दो कैसे बनाना है ध्यान से देखें एक बार और हम आपको पता बनाकर दिखाते हैं जो टी है मेरे दोस्त वो टी कुछ इस प्रकार से दिखेगा उसके बाद जो वाई है वाई इस प्रकार से दिखेगा उसके बाद जो छ है ना वो छ जानते हैं कैसे दिखेगा छ इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ पर भी ऑप्शन बी में भी नौ है बी में भी नौ है इसीलिए ये दोनों तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी हमारा इसमें नौ नौ को बना दिया है उसके बाद जो एल है जो यहाँ पर एल है मेरे दोस्त वो जानते हैं क्या है यहाँ पर जो एल है वो एल दोनों में से अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा यहाँ पर एल ठीक है चार भी ठीक है पांच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है जो पांच है ना मेरे दोस्त को कुछ इस प्रकार से बनेगा पांच कुछ इस प्रकार से बनेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं पांच जो है हमारा वो ऐसे दिखेगा पाँच जो है ना वो इस प्रकार से दिखेगा जो ऐसे है ना इस पाँच को क्या करेंगे मेरे बाबू जानते हैं हम पांच को बनाएंगे कैसे ध्यान से देखेंगे ये हमारा पांच जो दिख रहा है इसको तुम कैसे दिखना चाहिए पांच यहाँ पर देख रहे हैं पांच जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऐसे आकर ऐसे आकर ऐसे दिखेगा ठीक है और जो दू है हमारा उद्दू कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है दू आ कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को आसानी से आपने समझ इसीलिए आंसर इसका ए हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ठीक है ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद